तो कल हमने किया था कैटालिसिस, क्या किया था? कैटालिसिस, इसकी एग्जांपल मैं वन बाय वन पूछता हूँ। हाँ जी तनिष, कैटालिसिस की एग्जांपल बच्चे जल्दी हरी अप। मैं 10 मिनट 20 पे आगे कराना मेरे को, ठीक है? 8 मिनट आपके पास, हरी अप। कैटालिसिस की एग्जांपल सर जल्दी। N2+3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन अच्छा गिव्स वो आपने, NH3। ठीक है तो वो होगी हमारी एक एग्जांपल, ठीक है। महकप्रीत कौर, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस। महकप्रीत, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस। सुधांशु, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस। सुमंत, पॉजिटिव में रिएक्शन फास्ट होती है और नेगेटिव में रिएक्शन स्लो हो जाती है। कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर बोथ द केसेस? एग्जाम्पल कौन देगा? एनीवन? सृष्टि, कैन सर V2O5 कहाँ यूज करते हैं? वो पॉजिटिव में। यहाँ मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं बोला जा रहा, मुंह खराब हुआ होगा। H2O के बन गया SO3, तो यहाँ आ जाएगा V2O5, राइट? बिल्कुल सही। और नेगेटिव की एग्जांपल, हाँ जी सृष्टि, नेगेटिव की एग्जांपल। प्रितेश, जस्टिन, मनन, नेगेटिव की एग्जांपल। एग्जांपल कोई भी बता दो। सुमंत, नेगेटिव की पता है एग्जांपल? सर H2O2 गिव्स H2O+ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। शाबाश। तो जो H3PO4 है इटैक्ट एज नेगेटिव कैटालिसिस, ठीक है, वेरी गुड। तो इसके नोट साथ साथ बनाओ, ठीक है, तभी आपको होएगा गुड, वेरी गुड। फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट मैंने बता दिया था, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल दैट। हाँ जी होमोजेनियस की एग्जांपल कौन बताएगा? होमोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल सर NO। एनो। रिएक्शन क्या थी? टू एसओ टू, टू टू SO3। हाँ 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 सही है बच्चे, सही है। टू एसओ टू गैस प्लस ओ टू गैस। ये सारे गैस फेस में होते हैं। उसके बाद आपने किया था एडसॉर्प्शन थ्योरी की थी, चलो वो आप सबको आती होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और की थी जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। एनीवन? सुधांशु जी हमारे साथ नहीं है आज? है यस सर, सुधांशु जी बैठे हो आज, क्या हो गया बता मैं बता देता हूँ। फिर। जौन से एक्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है, वो रेट डिटरमिन करता है, और जौन से सिलेक्टिविटी होता है कि कौन सा कैटलिस्ट किस रिएक्शन में यूज होगा, वो बहुत हाईली सिलेक्टिव होता है। यही डिफरेंस होगा दोनों में। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। हाँ जी एग्जाम्पल भी बता दो शाबाश। एग्जाम्पल जैसे SO2 वाली एग्जाम्पल थी, SO2+O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO गिव्स SO3। तो वो तो आ गई सिलेक्टिविटी के बेस पे, कि नहीं अगर नहीं हम नहीं KCl ना 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 वाली कह रहे हो। नहीं, नहीं।
सेम रिएक्टेंट्स के आपको पेपर में दो केस लिखने पड़ेंगे, है ना। मैं हाँ जी वरद आप अभी ज्वाइन किया तुमने, मैं बच्चे पिछला कल का रिवाइज करा रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी में क्या फर्क होता है बच्चे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी? एक्टिविटी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, दैट इज एक्टिविटी। सिलेक्टिविटी होता है कि जो हमारा कैटलिस्ट है वो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है ना, तो कैटलिस्ट पे प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी, राइट। तो इसकी एग्जांपल्स कौन बताएगा, कोई बच्चा है जो इसकी एग्जांपल्स बता सकता है जो मैंने करवाई थी कल? एनीवन? बोलो सर। एक याद है, एक याद है, बोलो। मेरे को सिलेक्टिविटी की एग्जांपल चाहिए, एक्टिविटी में आप कुछ भी लिख सकते हो। कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू गिव्स मिथेनल। मिथेनल? मिथेनल क्या होता है? HCHO। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। अच्छा, और मॉडर्न बोल दिया अभी अभी? नहीं, एक में वो बनता है, क्या नाम है, नाम मिथेन बनता है, बुक में उसका कैटलिस्ट नहीं पता, याद नहीं। अच्छा, मतलब चीटिंग भी करनी है और समझदारी भी दिखानी है ना। नहीं सर, नोट्स बनाए थे कल। ओ वेरी गुड, चलो आज नोट्स की मेरे को पिक्स भेज देना, जैसे ही लेक्चर खत्म होएगा, ठीक है। कल वाले नोट्स की मेरे को पिक्स भेजी थी कुछ बच्चों ने, और मैं ग्रुप्स में मंगवाऊंगा अब, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम भी तो कैटलिस्ट ही होता है, राइट डाउन। चलो एक मेरा फेवरेट टॉपिक जो है वो भी पूछ ही लेता हूँ, वो हमें बताएगा मनन। मनन कैटालिटिक चैम्बर क्या होता है? हाँ जी प्रीतिश, प्रीतिश कैटालिटिक चैम्बर क्या होता है? जस्टिन, मोहित, जहाँ पे कैटालिसिस हो रही है, हैं? जहाँ पे कैटालिसिस हो रही है? नहीं वो तो ऐसे तो जैसे कैटालिटिक चैम्बर तो वर्ड से पता लग रहा है ना कि कैटालिटिक चैम्बर वो होगा जहाँ पे कैटलिस्ट रिएक्शन करवा रहा है। कहाँ यूज होता है, एक स्पेसिफिक होता है। हाँ जी वरद। हाँ जी सर। बच्चे कैटलिटिक चैम्बर क्या होता है? पता नहीं सर। ओ वेरी गुड, ये कैसे पता किया, पढ़ा था कल? नहीं सर। वेरी गुड। हाँ जी बताऊं सर? नहीं 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 नहीं। सुमंत सर, वो गाड़ियों वो जिस जहां से वो निकलता है धुआं वहां पे यूज होता है। और वो क्या करता है एग्जॉस्ट को, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? सर वो हार्मफुल गैसेस के साथ रिएक्ट हो जाता है और धुआं नहीं निकलता इतना। नहीं, वो हार्मफुल गैसेस कहाँ जाती हैं फिर, वो खा जाता है? नहीं, ऑक्सीजन वो फ्रेश एयर के साथ रिएक्ट हो जाती है ना वो। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो क्या बन जाएगा, कौन सी गैसेस ऐसी जो एग्जॉस्ट गैसेस हार्मफुल कौन सी निकलती हैं? कोई दो गैसेस, CO निकलती है और वो वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक CO निकलती है और नाइट्रोजन निकलती है। एक CO निकलती है, नहीं एक CO निकलती है, एक नॉक्स निकलती है, नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनको नॉक्स बोलते हैं। कुछ बच्चों को ऑटोमोबाइल की क्लास में जब आप बैठोगे, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो
तो ऑटोमोबाइल की क्लास में आधा सेमेस्टर निकल जाता है, नॉक्स नहीं पता लगता क्या होता है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आपको कोई साउथ का टीचर पढ़ाए तो वैसे भी नहीं समझ आएगा। तो नॉक्स एक्स, तो नाइट्रोजन के जो अलग अलग ऑक्साइड होते हैं उनको बोलते हैं नॉक्स, ठीक है? हाँ, इनको कन्वर्ट कर देते हैं सीओ को CO2 में और नॉक्स को N2+O2 में, ठीक है? तो ये रही आपकी एंजाइम की डेफिनेशन। एंजाइम होता है बच्चे जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर है वो भी कैटलिस्ट, लेकिन हम उनको उसको अलग नाम देते हैं एंजाइम। क्लियर? चलो ये डेफिनेशन लिख लो साथ साथ ही, हम इसके एग्जांपल्स करते हैं कुछ। मैं आपको चार पांच एग्जांपल्स करा देता हूँ और नोट्स में ना एक टेबल बना होगा, वो बना लेना, ठीक है? ये टॉपिक जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी ये टॉपिक वैसे डिलीटेड टॉपिक में से था, आपको पता होगा, ठीक है? तो ये टॉपिक तो डिलीट हो गया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और जो करंट प्लस टू है उनको भी ये टॉपिक डिलीट होगा आगे जाके, लेकिन ये हमें करना है सारा, जैसे हमने कैनेटिक्स में किया, एक्टिवेशन एनर्जी की सारा आगे तक, ठीक है? इसको भी हमने कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं, थोड़ा सा भी कर लो, डेफिनेशन लिख लो। आगे देखो एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स को पता है ये रिएक्शन कहाँ होती है? ग्लूकोज कन्वर्टेड टू इथेनॉल प्लस CO2। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन। सर टेंथ फर्मेंटेशन में भी में थी ये, कहाँ होती है? टेंथ में थी, तो ऐसे नहीं पूछा है। टेंथ में थी बिल्कुल, फर्मेंटेशन में होती है। हाँ यीस्ट में होती है, ठीक है? तो उसमें कैटलिस्ट जाइमेस यूज होता है, पता था? देखो नहीं पता था, नहीं नहीं पता, चलो सर, अब पता लग गया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है पता किसी को? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैं यूरिया? बताऊं नहीं नहीं बच्चे मैं पूछूंगा NH। कुछ, अरे नहीं अरे, मैं कुछ पूछूंगा तेरे से। और कोई? दोनों NH3 सर। तरफ NH2 बच्चे, NH2 C=O NH2, ठीक है? ये हमने सॉल्यूशन में बहुत बार किया था। दिस इज यूरिया। यूरिया में जब हम पानी डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेस, देखो ये यूरिया है और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज यूरेस, ठीक है? तो याद करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा आपके लिए, राइट? सर इसका फॉर्मूला नहीं बच्चे इसके फॉर्मूले ना काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके मॉलिकुलर मास बहुत ज्यादा होते हैं, 3000 4000 ऐसे होते हैं, इसलिए हम फॉर्मूला नहीं करते, ठीक है? ओके सर। गुड, तो ये बन जाएगा अमोनिया। स्टार्च का फॉर्मूला किसको पता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च? +2 क्लास पता होना चाहिए। C6H10O5N। इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो देखो ये ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है? और अगर मैं कैटलिस्ट चेंज करता हूं तो हम प्रोडक्ट भी चेंज इसका कर सकते हैं, डाइएस्टेस। क्या लेना? डायस्टेस, तो ये आपका बन जाएगा बच्चे माल्टोस। ये एन आगे आ जाएगा और ये एच 10 है, 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 5 है, 6 हो जाएंगे, ठीक है?
क्या आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, C12H22O11। ठीक है, समझ आया सबको, क्लियर बच्चे? इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज इन्वर्टेस में डाल के ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, तो वो आपको मैं पिक भेज दूंगा, उसमें वैसे आपके नोट्स में है, वहां से आप सारा कर लोगे। चलें आगे। यस यस सर। चलो आगे लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। आज मैं स्लो करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं कराना, खत्म हो गया ये वाला पहला पार्ट इसका। क्या एंजाइम एफिशिएंट होते हैं? यस, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं, 10^20 times तक, और 10^20 times आपको पता है, अगर मैं एक बाइट खाता हूं और मेरी बॉडी एंजाइम नहीं बना रही, तो मेरे को पता नहीं कितने साल लग जाएंगे एक बाइट को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, लेकिन एंजाइम ये बहुत जल्दी कर देते हैं, मेरे को तो फिर से भूख लग गई है। हाई एफिशिएंसी कितना बढ़ा देते हैं, आपके नोट्स तो आपने लिखने ही है, 10^8 to 10^20 times, तो बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है, कर लो बच्चे। खाने पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं फिर, किस हर किसी पे सेम? कैटलिस्ट सेम होते हैं, हमारा जो फूड होता है वो एक ही तरह ब्रेक होता है ना, ब्रेकडाउन एक ही तरह से होता है। नहीं सर, जैसे कुछ होता है कि कुछ कुछ खाने को हमें इतना टाइम लग जाता है डाइजेस्ट करने में। हाँ, वो तो है ही, वो फिर उस पर डिपेंड करता है ना कि उसमें फैट कितनी है, प्रोटीन कितना है, उन चीजों पर, जैसे फैट कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग रिएक्ट करते हैं। यस यस राइट, क्योंकि हमें पता है कि जो फैट है, फैट को डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, 6 घंटे तक लग जाते हैं। कार्ब्स है, प्रोटीन सबसे जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, ओके सर। हाँ, तो उस हिसाब से जो अलग अलग एंजाइम्स एक्ट करते हैं, ठीक है, फैट्स को पहले तोड़ना पड़ता है। चलो गुड, सेकंड पॉइंट एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज। वो कहता है 1 millionth of a mole, ठीक है, कितना, 1 millionth of a mole, 1 millionth of a mole रेट ऑफ रिएक्शन को 10^3 to 10^6 times बढ़ा सकता है, 1000 to 1,000,000 times रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो राजीव क्या चल रहा है, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज, 10^6 times, अगर एक मोल का 1/10^6 times लेता हूँ, मिलियन तो मोल, तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, हाँ बिल्कुल, एंजाइम भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, आपको पता है हर काम के लिए अलग अलग होते हैं। हमने अभी तो किया 3 एंजाइम किए, हमने जाइमेस किया, डायस्टेज किया, ठीक है, और आपने यूरेज किया है ना, तो आपने देखा ऐसा नहीं है कि मैं एक ही एंजाइम हर जगह यूज कर सकता हूँ, नहीं, तो हर किसी के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसके साथ ही, है ना, जैसे सुक्रोज है, C12H22O11, सुक्रोज में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, सुक्रोज में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, इन्वर्टेस, क्या बन जाएगा, C6H12O6 + C6H12O6,
ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल लिख लो, दिस इज सुक्रोज, यहां लिख भी लो। और इनका वैसे स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं माल्टोस लेता हूं, माल्टोस, माल्टोस में एंजाइम कौन सा, माल्टेस, ये आपको ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। और माल्टोस में दो यूनिट बनते हैं ग्लूकोज के, और लैक्टोज भी ले सकते हो, लैक्टोज में लैक्टेज होता है एंजाइम, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं ये बच्चे पहले देख पाए। हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर जॉन सर C12 बैच 22O11 मतलब माल्टोज और सुक्रोज के अंदर स्ट्रक्चर अलग होता है। हाँ बच्चे हाँ, इनके यूनिट अलग अलग है ना, मेरी बात सुनो। देखो जब आप दो ग्लूकोज मिक्स करोगे और उसमें से वाटर बाहर निकाल दोगे तब माल्टोज बनता है, और अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से वाटर बाहर निकालोगे, मैं रिएक्शन बैकवर्ड लेके जा रहा हूँ, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से वाटर बाहर निकालोगे तो सुक्रोज बनता है। तो इसकी प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, ठीक है। चलो आगे, ओके सर गुड। तो ये एक तरह आइसोमर्स है। फोर्थ, ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपने देखा जब हमें फीवर हो जाता है तो हमें खाना कभी पचता नहीं है, है ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर पीएच पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम कर पाती है, ठीक है, 298 टू 310 केल्विन, राइट। यह ह्यूमन बॉडी ज्यादा इस तरफ लाई करती है 310 की तरफ। फिफ्थ, ऑप्टिमम पीएच, पीएच वैल्यू 5 to 7, पे अच्छा काम करता है एंजाइम। सेवंथ, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। अगर किसी ने स्टार्टिंग में कुछ मिस किया मैं साथ ही अपलोड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। बच्चे जैसे आपने देखा था कैटलिस्ट में हमारे पास क्या थे, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट थे, और क्या थे, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स, तो इसमें भी होते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट की जो हेल्प करते हैं, सेवंथ रेगुलेटेड एक्टिविटी, एट्थ एक पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो, इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स ऑफ और कोएंजाइम, ये पॉइंट सारा इसके साथ ही रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो 6, 7, 8 ये एक ही पॉइंट बन जाएगा आपका। एक्टिविटी कौन बढ़ाता है, कोएंजाइम्स, और कोएंजाइम्स होते क्या हैं, दे आर प्रमोटर्स, कैटलिस्ट में प्रमोटर्स बोलते हैं और एंजाइम्स में इनको कोएंजाइम्स बोलते हैं, राइट बच्चे। नाइन्थ पॉइंट, 6, 7, 8 का आपका एक पॉइंट बनेगा, ठीक है, और मैं भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका 7th पॉइंट होगा वो आप लिखोगे इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स, ठीक है। तो रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं इनहिबिटर्स और पॉइजन्स, राइट। चलो अब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं, सब कुछ सेम, जैसे उसमें एड्सॉर्प्शन कराया था इसमें उससे भी इजी है। स्टेप वन, बिल्डिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम क्या करता है, मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा बच्चे, एंजाइम आप भी ऐसे लिख लेना, एंजाइम सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करेगा, सबस्ट्रेट के साथ क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है। रिएक्शन फास्ट होगी और रिवर्सिबल भी होगी। फिर स्टेप टू, रिएक्शन आगे होगी, डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो पहले क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसमें से क्या होगा,
एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन या एंजाइम प्रोडक्ट सब कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लियर सबको? और ये जो यहाँ पे लास्ट स्टेप हुआ ना बच्चे, ये वाला, दिस इज स्लो, और स्लो होगा तो रेड इटर्मिंग होगा, राइट। तो ये इसका मैकेनिज्म है सिंपल सा। आगे आती है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम, हेडिंग दो जल्दी से, एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। बच्चे तीन एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। पहली है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, बियर वाइन एटसेट्रा, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वहां यूज होता है एंजाइम, ठीक है। इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज बाय कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, राइट, यहाँ यूज होता है। सेकेंड, एंजाइम डेफिशिएंसीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। एंजाइम से एंजाइम डेफिशिएंसी से डिजीजेस भी हो सकते हैं और उनकी प्रिवेंशन भी है, राइट। कैसे, देखो हाँ जी, देखो बच्चे, द डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलानिन, हमारे पास एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन या एलानाइन, कॉजेज अ कंजेंशियल डिजीज कॉल्ड फिनाइल किटोन यूरिया। तो ये डिजीज हो सकता है जैसा, और भी एक दिया हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टायरोसिनेस कॉजेज एल्बिनिज्म, ठीक है। तो ये दो तीन डिजीज दिए हुए हैं, ये कर लेना। और क्योरिंग डिजीज है थर्ड पॉइंट हमारे पास, क्योरिंग डिजीज, क्योर कैसे करते हैं। सर्टन एंजाइम्स आर आल्सो यूजफुल फॉर ट्रीटिंग हार्ट डिजीजेस, और एंजाइम का नाम दिया हुआ स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, राइट। मैं बच्चे दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करो साथ ही।